हाय एवरीवन, आज ही मेरे एक सीए स्टूडेंट से बात चल रही थी एंड वन थिंग विच ही रिपीटेडली सेड वाज दैट सर आई एम फीलिंग वेरी वेरी लोनली. ठीक है, एंड दिस इज मोर इन केस ऑफ दो स्टूडेंट्स जिनका अटेम्प्ट के बाद अटेम्प्ट लग रहा है कि यार दो अटेम्प्ट हो गए, तीन अटेम्प्ट हो गए हैं. एंड ऑब्वियसली मोर इन केस ऑफ फाइनल प्रोफेशनल जैसे सीएमए स्टूडेंट्स के लिए जो अपने लास्ट लेवल पे है. एंड उसी टाइम मुझे एक चीज़ रियलाइज हुई कि यार ये चीज़ ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट फील करता है, राइट? सो जस्ट थॉट टू शेयर समथिंग ऑन दिस टॉपिक कि आज मैं अगर अपनी भी जर्नी रिफ्लेक्ट बैक करूँ दैट यू नो ड्यूरिंग माई जर्नी आई ऑल्सो फेल्ट अ बिट लोनली फॉर सम टाइम. और ये जो लोनली वाला फीलिंग है ना, ये एक्चुअल में लोनली वाला नहीं है, हम कहीं ना कहीं ना कंपेयर कर रहे हैं अपनी जर्नी. बिकॉज आई नो आपके अभी दोस्तों की यू नो दे आर गेटिंग इन टू द जॉब्स, दे आर गेटिंग मैरिड, दे आर प्रोबेबली स्टार्टिंग विद देयर फैमिली, रोमिंग अराउंड द वर्ल्ड, विजिटिंग प्लेसेस. एंड सर वी आर इन द सेम रूम, इन द सेम फोर वॉल्स, वी आर स्टडिंग द सेम बुक्स अगेन एंड अगेन, एंड कहीं ना कहीं वो चीज़ कंपेयर होकर हमें लोनली लगता है, राइट? और एक और चीज़ बताऊँ आपको मैं, ये जो आप फीलिंग है ना लोनली वाला, ये दिस इज मेकिंग अ वेरी ग्रेट कैरेक्टर. मतलब इसमें से ना एक नया इंसान बन रहा है, अभी बन रहा है. आपको वो चीज़ में से जाना ज़रूरी है. और आप उस इंसान से पता है कब मिलोगे? जब आप ये खत्म करके, क्लियर करके, व्हेन यू विल स्टार्ट विथ योर प्रोफेशनल जर्नी, एट दैट टाइम यू विल रियलाइज दैट दिस स्ट्रगल एंड दिस जर्नी एंड दिस फीलिंग ऑफ लोनलीनेस वॉज वेरी नेसेसरी बिकॉज अ कंप्लीटली न्यू प्रोफेशनल, अ न्यू पर्सन हैज़ बिन डेवलप फ्रॉम इट, राइट? तो इस जर्नी से डरो मत और कॉम्प्रोमाइज़ मत करो. मस्त से तरीके से जियो, अच्छे से पढ़ाई करो. ऑल द वेरी बेस्ट.